हेलो। हाँ जी माँ, बेटा का रिश्ता कैसा होता है? माँ मुझे पानी पीना है। नहीं बेटा, ले बियर पी। पानी में क्या रखा है? कुछ नहीं होता। बियर में तेरा पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, और तो और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। बॉडी बनानी है ना, ले पी। बेटा पानी पी ले, मेरा लाल थक गया होगा काम कर करके। ना मम्मी, मैं सिगरेट पीऊंगा। ले फिर बेटा, जल्दी ले, नहीं तो बुझ जाएगी। वाह मम्मी, क्या सिगरेट है! अरे गधे, सिगरेट नहीं, बीड़ी है। अच्छा बीड़ी है, कोई बात नहीं, सीख जाऊंगा धीरे धीरे। ये होता ना माँ बेटे का रिश्ता, टेंशन मत लो, ऐसा ही होने वाला है। इंस्टाग्राम पे आ गई है एक रचना भाभी, आओ देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। ये माँ है बेटे की, गलत जज मत करना। अच्छा ये क्या है? माँ का नाम रचना है, बेटे का नाम पता नहीं, और कभी कभी वीडियो में बेटी भी आ जाती है, उसका नाम भी पता नहीं। तू कैसी माँ आ रही, तुझे अपना करियर बनाना है और बेटों का क्या? अरे कहीं तो मेंशन कर देती, प्रोफाइल में भी नहीं है। किस टाइप की छलांगे लगाई जा रही है? चिंपांजी का झूठा तो नहीं खा लिया? ख्याल कर ले थोड़ा, बच्चा छोटा है, ना फटगी ना तो हालत खराब हो जाएगी। हाय दैया, मार डाला है मेरी प्यारी अम्मी। तो उठा ले पहले, तेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की थोड़ी है। उठना उठाना सबके नहीं है बस की, उठना उठाना सबके नहीं है बस की, खुद तो लुंज पड़े हो, नाम पड़ गया है फुसकी। जबान है लौंडा, उठा लेन दो, यहाँ तो वो भी फिसल जाते हैं जो लेने लगे हैं चुस्की। कौन कह रहा माँ की चुस्की खा रहे की? और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। अरे यार, ये दो उंगलियां ही दिखानी थी तो उठवाने की क्या जरूरत थी? साले को क्रेन मंगा ले रहे हैं, उससे उठवा ले रहे हैं, दो नहीं चार दिखाना। बीच की उंगली को मत घसीटो लड़कियां मारेंगी बहुत, बीच की उंगली को मत घसीटो लड़कियां मारेंगी बहुत। फैन तो हमारे बहुत है मेरे भाई, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलान न देवे। सही करते हैं, चलाने नहीं देते हैं, वरना जिस हिसाब का तेरा बॉडी में वजन रह गया ना भाई, पंखे की हवा के सामने टिक नहीं पाएगा, दीवार में लग कर सर फूट जाएगा और घर वालों को ही चिंता होगी फिर। क्या शरीर था, क्या कर लिया! ये पहले का शरीर है और ये आपका है ना, बिल्कुल खत्म खत्म हो गया शरीर, सैया टाइम नहीं देते हैं। खत्म हो गया शरीर, सैया टाइम नहीं देते हैं। सिला जी दिए थे ना आपको, काहे नहीं लेते हैं? मां दिए भैया जी आप तो। मैं सच बता रहा हूँ, हमारी जनरेशन के साथ बहुत गलत हो गया भाई। तू बहुत किस्मत वाला है जो तुझे स्कूल जाने को नहीं मिलता है। यहाँ साला हजार बहाने बनाते थे, पेट में दर्द, सर दर्द, उल्टी आ रही है, उसके बावजूद भी मम्मी रोज स्कूल भेजती थी, और तू है एक, शायद ही कभी कभी स्कूल जाता होगा। तुम अच्छे थे अच्छा उसका भी बहाना है, तुम अच्छे थे अच्छा उसका भी बहाना है, मेहनत ठंडे पानी में नहीं पसीने में नहाना है। शादी होने दो, सब पता चल जाएगा, बीवी देगी तलाक और बोलेगी मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तुम कड़क माल है ना। जरा कभी मेरी नजर से देखो, मैं एक 20-22 साल का नौजवान लड़का हूँ, बचपन से करियर बनाने के चक्कर में ज्यादातर टाइम मेरा काम में गुजरा है, इसीलिए मुझे माँ का प्यार नहीं मिला है। अच्छा, अगर कोई माँ इस तरह की मुझे अडॉप्ट करना चाहे तो कर सकती है, मैं सिर्फ एक बार जिंदगी में ये प्यार पाना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। क्या सीन है! देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह का प्यार अगर हमें मिला होता हमारी मम्मियों के द्वारा तो आज हम कुछ बन गए होते, और स्कूल से बंक मार के ना हमने ईख में बस्ता दुबकाया होता और ना ही बाग में जाके लब्बा ताश खेला होता, ऊपर से पिटाई और लग गई थी। पिटाई क्यों भैया जी? पकड़ गए थे यार, साइड फट गई थी लब्बा ताश खेलते हुए। क्या लगता है आपको, ये जो लोग आपकी बुराई करते हैं उससे आपको कुछ फर्क पड़ता है?
गर्मी से जलने पर लोग तो सूरज की भी बुराई करते हैं। क्या लगता है आपको, उसे कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपका बेटा, आपकी औलाद, पढ़ाओ लिखाओ या इंस्टाग्राम पे मुझला कराओ, हमें क्या? हमारा तो और एंटरटेनमेंट हो रहा है। क्या बोलता है गुड्डू? जी भैया जी। ज्यादा ज्ञान दे रहे हो तुम अकेले में मिलो, ज्यादा ज्ञान दे रहे हो तुम अकेले में मिलो, पढ़ लिख कितने भी गए हो करोगे यही। 10 का 2 किलो, 10 का 2 किलो, लुट गया माल, लुट गया 10 का 2 किलो, तड़कता भड़कता माल है। नई पीढ़ी के साथ नए रिश्तों का सफर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे नलायक चोली के पीछे जो होना चाहिए वही तो होगा। खुल के दिखाना मॉडलिंग संस्कार गमारपन का हिस्सा है, खुल के दिखाना मॉडलिंग संस्कार गमारपन का हिस्सा है। मनोज भैया को भूल गए जो गैंग्स ऑफ वासेपुर का किस्सा है? हमको पहचानती हो, गुंगी हो, ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। अरे यार, कैसी माँ है अपने बच्चे के साथ ऐसी हरकतें कर रही है? साला यहाँ अगर धोखे से भी ये गाना बज जाए मम्मी के सामने, 3 दिन मम्मी से रोटी नहीं मांग मिलती है। मम्मी जब किचन छोड़ के चली जाती है तो चुप्पा से रोटी खा के निकल जाता हूँ, और यहाँ पारिवारिक माहौल बन रहा है। यार तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हसी सितम? हंसी सितम किसी ने किया मैडम, सब इंस्टाग्राम के फिल्टर के बहम है, फिल्टर हटा दो सब बहम दूर हो जाएगा। मतलब इतने बड़े बच्चे होने के बाद हमारी माए तो ये सोचती है कि अब हम क्या ही फैशन करेंगे, हमारे बच्चे करने वाले हो। खैर, इंस्टाग्राम के फिल्टर मान गए। फिल्टर की जिंदगी जिया करती थी, आंखों से घायल किया करती थी, बचपन की हकीकत क्या बताऊं तुम्हें, सुनना चाहते हो तो सुनो। एक ज्ञान की बात बताऊं, तुम लोग कहते थे कि घोर कलयुग कब आएगा, तो सुनो, जब मम्मियां अपने बेटे को इतना प्यार करने लग जाएं, तैनू की लगता मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। नहीं, आखिर मजबूरी क्या थी जो लौंडे के साथ वीडियो बनानी पड़ रही है? दर्द को दुआ नहीं कहती है दवा, दर्द को दुआ नहीं कहती है दवा, थोड़ी थोड़ी सबको लगती है हवा, भाभी का देवर नहीं है तो क्या हुआ, बेटा तो है, लगा दो गाना। देख 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 कितना गौर से सुन रहा है, इतने दिमाग पढ़ाई में लगा लेता तो आज डॉक्टर इंजीनियर होता। कोई तो मजबूरी रही होगी यार, हैं? राइट क्वेश्चन ना, चलो देखते हैं और डिसाइड करते हैं। देखो, मजबूरी 3 हो सकती है, या तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहा होगा इनके साथ वीडियो बनाने का, ओके, इनका बचपन का सपना रहा होगा कि मुझे सोशल मीडिया पे फेमस होना ही होना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। नंबर 3 ये भी हो सकता है कि इनके और हस्बैंड के बीच में बनती ना हो, चलो देखते हैं। अरे मेरे यार कबर दे ठाडा कर दे। ओहो, अब समझ में आया हस्बैंड के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाई जा रही है। भाभी गलत बात है, भैया के बाल गिर गए तो आप वीडियो नहीं बनाएंगे उनके साथ में? शर्म आ रही होगी ना। और ये क्या किस कर रही हो, सही से लिप्स तक नहीं लग रहा है उनके गाल पे, अपने बेटे के साथ में तो बहुत ही चिपका के करती हो, गलत बात है। देखो ये सरासर अन्याय है, जनता माफ नहीं करेगी। आफतों के दौर में इतनी बेमुरब्बत और मरी हुई हंसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। रहन दो भैया, मत हंसो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहन। तो समझ रहे हो ना भाभी भैया के साथ वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं? हाँ भैया जी। ओ भाई, तू रहने, तू मत दिखा डोले, इतने बड़े डोले देख के भाई हम तो गिर जाएंगे, हमें तमाड़े आ जाएंगे। इतने बड़े डोले तूने बना कैसे लिए? भाभी डोले दिखा रही है उन तक तो ठीक है, उनके ना भी होंगे तो भी चलेगा, हम झेल लेंगे। भाई ये डोले, अरे भाई रहने दे, मत दिखा यार। मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, भाभी 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 हम मानते हैं तुम्हारी कुछ तमन्नाएं थी शादी से पहले, लेकिन शादी हो गई तो वो पूरी नहीं हो पाई। हो सकता है बॉयफ्रेंड बनाने की हो, उसके साथ रंगरलियां मनाने की हो, तो अब आप अपने बच्चे के साथ ये कर रही हो, मत करो प्लीज, उसके फ्यूचर की बात है। बचाओ,
आई नो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि भाभी का फ्यूचर तो ठीक है, डिसाइडेड है। रचना को इंस्टाग्राम पे कुछ समय के बाद वेरीफाइड टिक मिल जाएगा और वो फेमस हो जाएगी, लेकिन लौंडे का क्या? वो क्या करेगा? अरे पगलो, वो आलू बेचेगा, वो भी किस में? चुन्नी में है, चुन्नी में। लौंडा घास छोलेगा और भर के किस में लाएगा? चुन्नी में है, चुन्नी में। और अगर कुछ भी नहीं कर पाएगा, घर का कटोरा भी बिक जाएगा, तो भीख मांग के लेके आएगा, पता है किस में? ये है लड़की इस्मा की, जो कभी वीडियो में आपने नहीं देखी और मैंने भी नहीं, और वो आना भी नहीं चाहती होगी। सोचती होगी क्या आना है इस औरत के साथ, जो लाइक के लिए अपने बेटे को ही नहीं छोड़ रही है। छोड़ूंगा मैं भी नहीं तुम्हें, सालों वीडियो को लाइक नहीं किया तो। मुझे नहीं पता, वीडियो को लाइक करो यार, लाइक चाहिए मुझे ढेर सारे। ओके गाइस, तो मेरा नाम है गुड्डू और सुनील भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मुझे जाना है, अगली वीडियो के लिए शायरियाँ लिखना है, तो आपको किस टॉपिक पे शायरी चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ भैया, आपका लिए अडॉप्ट करवाना था ना अपने आप को, आपका जुगाड़ हो गया है, आप जाओ फटाफट से। हाँ आ रहा हूँ, ठीक है, बाय।